तो भाई पहले इस चैंग बोए, सो गाइस आप लोगों को पता होगा जो हमारी BGMI है वो अभी 3 महीने के लिए आई हुई है एंड आज से 3 महीने के बाद क्या होने वाला है एंड जो गेम हमारी आज से कुछ टाइम पहले बैन हुई थी वो किस रीजन से हुई थी एंड क्या प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी चीजें हमें ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से पता लगी एंड ये चीज आपको देखनी चाहिए अगर आप लोग BGMI प्लेयर हो, आपको पता होना चाहिए एंड आज से 3 महीने बाद गेम के साथ क्या होने वाला है वो भी हमें काफी हद तक क्लियर हो जाता है एंड और भी कुछ कमाल की न्यूज़ हमें गवर्नमेंट की तरफ से देखने के लिए मिली है जो हमें जाननी चाहिए इस वीडियो के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बिल्कुल मिस मत करना। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्टिंग में सबसे पहले गेम के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग इवेंट आया था, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं नीचे की तरफ तो आप लोग देख सकते हो गेम प्ले ग्लोरी नाम से एक नया इवेंट आया जो कि एक बहुत अच्छा इवेंट है जहाँ पे आपको हर दिन गेम के अंदर अलग अलग चीजें मिलेंगी काफी अच्छी, जैसे कि मुझे मिली है कल के दिन, इसके बाद आज मैं खेलूंगा तो मुझे मिलेंगे एंड इसके बाद जैसे जैसे आप लोग आगे जाते जाओगे ना आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती जाएंगी, जैसे जितना ज्यादा आप लोग आगे जाओगे उतनी अच्छी चीजें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं डे 11 पे आप लोग देख सकते हो ये मिलेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं डे 14 पे, डे 15 पे आप लोग को एक एक्चुअली परमानेंट आउटफिट देखने के लिए मिल जाएगी एंड भाई आउटफिट बुरी नहीं लग रही है कि नहीं, काफी ज्यादा अच्छी आउटफिट लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड ये जो इवेंट है काफी लंबा चलने वाला है, आप लोग देख सकते हैं टोटल 15 दिन तक अभी इवेंट चलेगा एंड काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसके अंदर, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कल के दिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल इंटरव्यू देखने के लिए मिला था बियर बाइसेप के चैनल पे, आप लोगों ने शायद उसको देखा होगा, मैंने खुद भी उस वाले को देखा एंड वहां पे हमें देखने के लिए पता लगता है कि क्या गवर्नमेंट सोच रही है BGMI के बारे में इन फ्यूचर एंड सबसे बड़ी बात उसको पहले बैन क्यों किया था। तो ये चीज हमें से काफी हद तक लोगों को क्लियर थी कि BGMI को बैन इसी वजह से किया गया क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू था एंड सबसे बड़ी रीजन था कि जो हमारी प्रॉब्लम चल रही थी चाइना के साथ उस वजह से गेम को बैन किया गया, बट यहाँ पे गवर्नमेंट जैसे ऑफिशियल उन्होंने खुद ये चीज बताई है। लाइक हम लोग ऐसे तो नहीं कह सकते कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, बट आप लोग समझ सकते हो कि एक इतने बड़े मिनिस्टर कह रहे हैं तो बात काफी हद तक ऑफिशियली हो जाती है। गवर्नमेंट ये चीज समझती है कि किसी भी कंट्री के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उससे कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि उनकी जो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे बैन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है। यानी कि गेम जो बैन हुई थी वो इस वजह से बैन नहीं हुई थी क्योंकि चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही थी, वो इस वजह से बैन हुई थी क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू थे कंट्री के लिए एंड वो कहते थे जो इंडिया का डाटा था जैसे कि इतने सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स खेल रहे थे BGMI को, वो सारा का सारा डाटा जा रहा था बाहर में चाइना के अंदर, क्योंकि एज अ कंट्री हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ चीज नहीं थी एंड गवर्नमेंट ने इसी चीज को एड्रेस किया एंड यही प्रॉब्लम रेज की थी क्राफ्टन के साथ कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है एंड इस वजह से इसको फिक्स आउट करो एंड तब गेम वापस आ सकती है इंडिया के अंदर एंड वही चीज हमें देखने के लिए मिली। जब उसके बाद गेम वापस आई थी तब भी आप लोगों ने देखा होगा जब सेकंड टाइम गेम बैन हुई थी वो भी इसी रीजन की वजह से हुई थी क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बोला कि जो हमारा डाटा है वो अभी भी इंडिया के बाहर जा रहा है, मतलब ऐसी कंट्रीज में जा रहा है जो सेफ नहीं है सिक्योर नहीं है हमारे हिसाब से, तो इस चीज को फिक्स करना बहुत जरूरी है एंड यही एक सबसे मेजर रीजन था जिस वजह से BGMI सेकंड टाइम भी बैन हुई थी एंड अब फाइनली ये जो आई है तो यहाँ पे मुझे लगता है काफी हद तक मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब कोई भी बैन वाला इश्यू होगा नहीं क्योंकि दोनों टाइम जब भी गेम बैन हुई है वो हुई एक ही रीजन की वजह से, डाटा की वजह से, डाटा हमारा गलत जगहों पर जा रहा था एंड जो चीज हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते एज अ कंट्री एंड आपको भी ये चीज समझनी चाहिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी प्राइवेसी, हमारे नंबर्स कहाँ पे रह रहे हैं, लोकेशन, सारी चीजें जाती हैं गेम की वजह से एंड सब कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को फिक्स आउट करना था एंड यहाँ पे आज से 3 महीने बाद क्या होगा ये चीज भी हमें काफी हद तक देखने के लिए मिल जाती है। जो गवर्नमेंट है वो काफी हद तक ओपन है इवन ई स्पोर्ट्स के लिए, नई नई गेम्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये काफी चीज है एंड इवन आप लोग ने शायद अगर वो पॉडकास्ट देखा है वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि गवर्नमेंट इवन ये चीज बोल रही है कि वो कोई भी ऐसी गेम जो कि हमारी किसी प्रॉब्लम चल रही है किसी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल चाइना ले लो, उनके साथ हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन अगर उनकी जैसे कोई गेम आती है उसका डाटा सेफ है, मतलब हमारी इंडिया के अंदर ही सारा कुछ स्टोर हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो इवन चाइना की गेम भी इंडिया के अंदर आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि चाइना की गेम है तो बैन हो जाए। एंड ये वाला पॉडकास्ट देख के मुझे खुद भी ये चीज काफी सही लगी कि देखा जाए तो और भी काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है हमें फ्यूचर में कि जैसे नई नई गेम जो कि काफी अच्छी होंगी जैसे BGMI, PUBG या फिर इस तरीके की और भी जो एपिक गेम्स है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा लोगों के पास मोबाइल ज्यादा होते जाएंगे, लैपटॉप PC का इतना ट्रेंड है, देखो एक लेवल तक है लेकिन मोबाइल हर किसी के पास है, इजी टू एक्सेसिबल है एंड अफोर्ड एज वेल है। आप लोग देख सकते हो एक अच्छा मोबाइल 60,000 तक का आ जाता है, मतलब एक टॉप टीयर 1 मोबाइल कह रहा हूँ एंड एक अच्छा PC 6 लाख का आएगा क्योंकि अच्छा खासा PC आप लोगों को पता है क्योंकि ग्राफिक कार्ड, यार एक ग्राफिक कार्ड ही एक मोबाइल के कॉस्ट के बराबर हो जाता है, 60-70 हज़ार का इजिली ग्राफिक कार्ड आता है RTX सीरीज में आज। तो ये चीज़ है, सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड इतना महंगा आएगा और वहाँ पे एक मोबाइल इतना अच्छा आ जाएगा तो जो मोबाइल का मार्केट है वो बढ़ने ही वाला है एंड चाइना इस समय इसके अंदर काफी आ गया है, तो उनकी तरफ से अच्छी गेम्स आएंगे एंड अगर डाटा वो लोग सिक्योर रखते हैं हमारी कंट्री के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें वो गेम्स खेलने के लिए मिलेंगी। तो सिर्फ BGMI तो छोड़ो, इवन जो और अब फ्यूचर में हमें गेम्स देखने के लिए मिलने वाली है उसके लिए भी एक्साइटमेंट बढ़ जानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डेट यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो आज से 3 महीने के बाद जब गेम है वो क्या हमारी सस्टेन करेगी या फिर बैन फिर से लोग कर देंगे, तो 99.99% मैं आपको बता दे रहा हूँ गेम कहीं नहीं जाने वाली है, ये पक्का ही सस्टेन करने वाली है। 1% पॉसिबिलिटी लेके हम लोग चल सकते हैं नेगेटिव साइड पे जो कि होने के काफी कम चांसेस है। अब मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ, गवर्नमेंट काफी हद तक ओपन है ई स्पोर्ट्स के लिए, ओपन है नई नई गेम्स के लिए एंड वो चीज इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़े, वो ये तो चाहेंगे बढ़ेगी तभी तो वो लोग दिखाएंगे कि हमारे टर्नओवर में ये चीजें हुई है जिससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी है। तो ई स्पोर्ट्स एक
बहुत बड़ी चीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो इंडिया में भी अब धीमे धीमे इंट्रोड्यूस हो रही है। एंड गवर्नमेंट पूरी ओपन है इसके लिए, जस्ट उनके कुछ यहाँ पे कंडीशन है कि जो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, कि इंडिया का डाटा सिक्योर रहना चाहिए। गेमिंग एक अलग चीज है, इंडिया की सिक्योरिटी अलग चीज है, इंडिया की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करा ही नहीं जा सकता। तो इंडिया का डाटा सिक्योर रहना चाहिए, जो बिल्कुल ही सही चीज है, एंड उसके साथ मैं भी स्टैंड करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। इसके अलावा छोटी मोटी कुछ और चीजें भी, जैसे गेम में कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, जैसे कि जो यूथ है ऐसा नहीं कि पूरे दिन गेम ही खेलते रहे। देखो गेमिंग एक अच्छी है फन फैक्ट के लिए, लेकिन आपको अपने करियर पे भी तो ध्यान देना है, मतलब आगे में आप करोगे क्या लाइफ में, सिर्फ गेमिंग थोड़ा कर सकते हैं। तो ये भी चीज। इसके अलावा जो और कुछ चीजें हैं वो सारी की सारी भी मेरे हिसाब से जेन्युइन है, एंड जो यहाँ पे क्राफ्टन है उन चीज का ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है 1% पॉसिबिलिटी भी हम लोग अगर लेके चल रहे हैं ना कि अभी थोड़ा कुछ नेगेटिव चीज सुनने के लिए मिल सकती है फ्यूचर में, तो वो शायद नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग पक्का मान के चलो गेम सस्टेन करने वाली है, गवर्नमेंट बहुत ओपन है, इवन से बीजीएमआई के लिए नहीं, नई नई गेम्स के लिए भी हमें फ्यूचर में काफी कमाल की गेम देखने के लिए मिलने वाली है। ओवरऑल गाइस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय बाय।